ऑन कैमरा हमको हमको भी शर्म वरम आता नहीं है, सबसे पहली बात बता। अरे दस देख के किस लो बीस देख के मिस, अरे दस देख के किस लो बीस देख के मिस। आइल बड़ू नाचे जब से देख तनी तो है, चढ़ली जवानी देखी मन हमर मोहे। रेट बोल कतना में हुई आज काम, बड़ा मन करे तोहर खाई दोनों। अरे दस देख के किस लो बीस देख के मिस लो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संगम सिंह और आप देख रहे हैं भोजपुरी जुगाड़.com। और आज हमारे साथ पहले आप चेहरा पहले मतलब उड़ नहीं हटा लीजिए, आज हमारे साथ में भोजपुरी के बहुत ही बेहतरीन गायिका हैं जो कि काफ़ी 10-12 दिनों से विवादों और चर्चाओं में बनी हुई हैं, जिनका नाम है तान्या झा। कैसी हैं मैडम? सबको नमस्ते प्रणाम, जितना आदमी मुझे देखेंगे सबको प्रणाम है। भोजपुरी जुआ.com से सबको प्रणाम है, जितना आदमी मुझे देखेंगे सबको मेरा पैर छू के प्रणाम है। कहिए। अच्छा तान्या जी, पहले आप स्टेशन पे हैं, स्टेशन पे मिल गई हैं और हम लोग पकड़ लिए हैं, कहाँ जा रही हैं आप? घर जा रहे हैं हम अपने, और इन लोगों ने बहुत गलत किया है, ये हमारे घर जाने के टाइम आ गए हैं। अच्छा क्या कीजिएगा, जब जब जीसन तब तैसन ना करे तो मर्द कैसन। सबसे पहले तान्या जी आप ये बताइए, आप इतने मतलब विवादों में क्यों बनी हुई हैं और आरोपों के घेरे में क्यों बनी हुई हैं? विवाद में है नहीं, आप लोगों ने विवाद में घसीट के ले आए हैं आप लोग, हमारी इसमें कोई गलती नहीं है। अच्छा कैसे गलती नहीं है ये बताइए, आपका जो गाने पे विवाद हुआ है, जिस गाने का बोल है तो मैं नहीं सुनाऊंगी। सुनाइएगा मत, नहीं नहीं हमें बोलना पड़ेगा दर्शकों के लिए, जो कि गाने का बोल है आपका, दस देके किस लो और बीस देके मिस लो, किस उद्देश्य से आप गाई थी हम पहले ये जानना चाहते हैं। पहले तो आपका जितना भी क्वेश्चन होगा उसका हम एक ही जवाब देना पसंद करेंगे। आप लोग कभी ऑर्केस्ट्रा में गए हुए हैं? जी। ये गाना जब आप मुझे इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं तो आपको ये भी पता होगा कि गाना ऑर्केस्ट्रा मैटर है, ठीक है? ऑर्केस्ट्रा मैटर है मैडम, ऑर्केस्ट्रा का आप नाम ली है तो ऑर्केस्ट्रा से हमारा ये सवाल है कि ऑर्केस्ट्रा में जैसी लड़कियां डांस करती हैं और उनको इस टाइप के गाने पे जब डांस करना होता है तो उनको लज्जित होना पड़ता जी है। नहीं बिल्कुल नहीं है, आपका गलत सोच है। सबसे पहली बात कि जिस गाने को लेकर के आप मेरे पास आए हो, जिस गाने को लेकर आप मुझे इस तरह स्टेशन में पकड़े हो, उस गाने का मतलब मैं ये बता दूं कि सबसे पहली बात कि वो गाना ऑर्केस्ट्रा मैटर है। हाँ। और ऑर्केस्ट्रा में जब भी आप जाते हो तो भक्ति भजन बजा के नाच नहीं लेते हो भाई? नहीं नाच लेते हैं, लेकिन सवाल वही है मैडम कि जब ऑर्केस्ट्रा में लड़कियां जब डांस करती है, जब डांसर नाचती हैं तो उनपे जब लोग कमेंट करते हैं, बात बताओ तार गहिर ढोणी में बियर डार दही का ही कर है ए टाइम बतावा तनी ओह टाइम, एक मिनट, जब हम पैदा भइल रही तो माइके लेके पैदा ना भइल रही, ओह टाइम मीडिया ना रहन। अच्छा। और आज के जग में बाड़े, अब सुनिए तान्या जी, इस पे सवाल मेरा ये है कि उस टाइम यदि आवाज उठा होता तो अभी इस टाइप का गाना नहीं आता। अभी यदि हम इस टाइप का आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आने वाला जनरेशन हमसे भी सवाल करेगा और आपसे भी सवाल करेगा कि जब तान्या झा गाई थी इतना अश्लील गाना तो आप कहाँ थे? एक मिनट, आप आज से 40-50 साल पहले संगीत में चले जाइए, हमारे विष्णु ओझा जी ने गाया था चुम्मा दे के छोड़ोलू मगध एक्सप्रेस, इसमें कहां से अश्लील गाना लगता है आपका? हां तो हम जवाब देता नहीं ना। जी बताइए ना, वो टाइम चुम्मा आइल रहे कि ना आइल? हां आइल रहे, हम चाहत ना रहनी कि इतना भीड़ जमो जब तू जुटा देला पॉइंट, वो टाइम आइल रहे कि चुम्मा दे के छोड़ोलू मगध एक्सप्रेस, यानी चुम्मा वो 4-5 घंटा ले रहे होंगे। अरे 4-5 घंटा चुमा लेंगे फिर क्यों आप बात क्यों काट रहे हैं? सीधा सा मेरे क्वेश्चन का मेरे जवाब के साथ जवाब टक्कर में जवाब दीजिए। आपका जवाब हम यही रहेगा कि उस टाइम इतना मीडिया नहीं था और आज के डेट में है, यदि हम आज सवाल नहीं उठाएंगे तो आने वाला जनरेशन हमसे सवाल उठाएगा कि क्या हो रहा है, क्यों नहीं आप लोग आवाज उठाए? नहीं ये बात आपका गलत है, उस समय भी मीडिया थी और अभी भी है। बकायदे बात अगर आप अश्लीलता पे आ रहे हो तो अश्लीलता कहीं कुछ नहीं, आपकी माइंडलिटी आपकी सोच है, चीता चीता में फर्क होता है सर। एक वो चीता है जो इंसान को मरने के वक्त अर्थी पर सुलाया जाता है और एक वो चीता है जो जंगल में पाया जाता है, तो माइंडलिटी में जितनी कचरा है ना पहले उसको सही। आप ही का एक गाना है पवन सिंह बता रहा मैं खेसरिया यार हो ना, तो पूरा सुन ला ना, पूरा सुन ले बनी, लेकिन ई टाइटल रखे के रीजन का बा, एकर मतलब जाने के बना, तेकर राइटर हां बिकी विशाल। मैडम गाई हैं आप, हमको आप मिली हैं तो आपसे भी पूछेंगे और वो बिकी विशाल जी मिलेंगे तो उनसे भी पूछेंगे। हां तो मैं बता देती हूं कि इसका गाए हैं हम लोग जब स्टूडियो में गाना गाने के लिए, मुझे नहीं पता था कि गाना गाएंगे हम हिट जाएंगे क्या जाएंगे नहीं जाएंगे, मुझे जानते भी बहुत लोग नहीं जानते होंगे, यहां पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं जानते होंगे, ठीक है? तो सबसे पहली बात ये आप लोग भीड़ जमा के बहुत बड़ी गलती की है। अच्छा देखिए भीड़ माफी चाहिए, अब हम ये लोग मुझे स्टेशन पे घसीटे हुए हैं, हम घर जा रहे थे, ठीक है? घर जा रही थी, लेकिन देखिए ये कहीं ना कहीं सवाल और आरोपों के घेरे में आप करीब 10-12 दिन से बनी हुई है। एक बात मुझे बताइए, 1947 में आप भी आजाद हुए थे या हम भी आजाद हुए थे? पूरा देश आजाद हुआ था। तो गाने से पहले हम आपसे पूछना तो सही समझेंगे नहीं कि भैया ये असली है या फिर ये सही है, मैं गाऊं या ना गाऊं? भाई हम बिक्रेता हैं, जो बिकेगा वो हम बेचेंगे, आप सुनना बंद कर दो, हम गाना बंद कर दो। मैडम पोर्न वीडियो भी ज्यादा व्यू जाता है तो सुना ना, तो सनी लियोनी जब आपके सामने आ जाए तो आप
कह सकते हैं क्या कि वो पोर्न स्टार है? नहीं कह सकते हैं भाई, है, वो है, हम कह रहे हैं ऑन कैमरा कह रहे हैं, हम भी ऑन कैमरा, हमको भी शर्म वरम आता नहीं है, सबसे पहली बात बता दे रहे हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि लड़की है आप कुछ अदर पे जाएंगे तो हम शर्माएंगे, जबकि सबसे बड़ी गलत सोच होगी, क्योंकि शर्माते वरमाते वैसे भी जाति के हम ब्राह्मण है लेकिन शर्म नहीं आता है। बताइए आप इतनी ऊंची जाति से है और इतना अश्लील गाना गाते हैं, कलाकारी लाइन में कभी कोई जाति मायने नहीं करता, ये आपको पता है। तो हर कलाकार कहते हैं लेकिन जातिवाद सभी करते हैं, मानती है कि नहीं मानती? नहीं, तो मैंने आज तक अपने जाति पे गाना गाया ही नहीं। कितने ब्राह्मण होंगे जी पूरी दुनिया में, कितने राजपूत होंगे जी पूरी दुनिया में, काउंट तो हम नहीं किए हैं। तो बस बात खत्म है, तो जातिवाद पे जाना भी नहीं चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, तो जातिवाद गाना ठीक है आपके लिए? अरे भैया कुछ ठीक नहीं है, आप जो गाइए वही, जो मार्केट में चल गया जिस चीज की आप कमाई खाते उस चीज से कभी इंसान को शर्म। अरे भाई कोई धंधा नहीं ना कर रहा है जी, मनीष कश्यप भैया ने सीधा बोला है, कोई धंधा नहीं ना कर रहा है जी। हाँ, वो तो अपना गाना ही गाना नहीं कर रहा है, ठीक है, तो इसको चोरियो, तब तो स्टेशन पे इतना लोग हम चोरियो कर सकते हैं। जेकर मन, हम कहनी है ना 1947 में आप आजाद नहीं होते, जिसके मन में जो आए भैया वो करो, किसी को कोई मतलब नहीं है। और रही बात आप जिस गाने को लेकर के आए हो, वो गाना आप भी सुने होंगे, और जिस इंसान ने इसको अश्लील कहा है उसने भी सुना होगा, क्योंकि ये गाना ऐसा मैटर ही था जो कि बज गया 16 मिलियन। मैंने नहीं दिया था भैया, बिल्कुल आपने नहीं, अकेले सुन के उसको 16 मिलियन नहीं पहुंचाया। आपसे एक सवाल करेंगे, आप इतने लोगों को भीड़ में वो गाना गा सकती हैं? अरे काहे नहीं भाई, गाए हैं तो शर्म कैसा गाइए, तो मुझे बस मैं याद कर लूं। हाँ, कर लीजिए। आइल बाड़ू नाचे जब से देख तानी तोहे, चढ़ली जवानी देखी मन हमर मोहे, रेट बोला कतना में हुई आज काम, बाड़ा मन करे तोहर खाई दोनों आम, अरे 10 देके किस लो 20 देके मिस लो। का गलत बहु, ऑर्केस्ट्रा में कौन भक्ति जागरण बजावे का? ऑर्केस्ट्रा में यही बजता है भैया, मैं लिख के दे सकती हूं। आपने एक बात और भी बोला है कि जो मेरा बिकेगा वही मैं दूंगी, बिल्कुल। तो ठीक है, दुकान पर सिगरेट भी बेचता है आदमी, अगरबत्ती भी बेचता है, सिगरेट पे खुलेआम लिखा रहता है ये धूम्रपान मत कीजिए, आपके सेहत के लिए हानिकारक है, तो आप अपने गाने पे क्यों नहीं लिखती है कि ये गाना असली है, कृपया आप मत सुनिए। अच्छा, तारी क्वेश्चन बात कर, एकदम बढ़िया जवाब देव हम। भैया तारा के लौका था कि थंबल गलत बा, भैया तारा के लौका था कि टाइटल गलत बा, तो तू सुनत काहे खाती हवा भैया, वो देवी जागरण के तो थंबल लागल ना होई। आगे से तानिया जी लिखवाएंगे कि ये गाना असली है, मत सुनिए। अरे हम काहे लगवाएंगे उसमें थंबल। अच्छा एक बात बताइए, जब थंबल दिख रहा है गलत है, सबसे कहना चाहेंगे जब आपको दिख रहा है कि थंबल गलत है, पोस्टर का टाइटल गलत है, तो फिर आप उसे सुन क्यों रहे हो? 16 मिलियन क्यों दिए? नहीं देते तो अगले बार से हम नहीं गाते ना जी, क्यों दिए आप लोगों ने मिलके? आपको लगता है कि गाना अश्लील है और बज रहा है और ऐसा गाएंगे लोग? यही सुनते हैं, हम यही गाएंगे, जो सुनेंगे वही हम गाएंगे, बात खत्म है। तारा अश्लील लगा तो तू मत सुनो, जिसको अश्लील लगता है मत सुनो भैया, सिंपल सी बात है। मनीष सत्यम के इंटरव्यू पे चढ़ा होगा सच तक न्यूज पे जाके चेक कर लीजिए। लेकिन देखिए कहीं ना कहीं ये देखिए पब्लिक भी बीच में से कमेंट कर रही है, तो आपको क्या लगता है गलत नहीं है? 100 में से अगर आप कह रहे हैं ठीक है मैं मानती हूँ, अगर मैं मान लूँ कि ये गाना गलत। अच्छा मान ली ना आप, मान ली ना। मैं मानती हूँ कि ये गाना गलत है, ठीक, आपने सुना क्यों? क्योंकि हमें तो इंटरव्यू करना है, हमें सुनना पड़ेगा, हम सारे स्टार का और सारे कलाकार का गीत सुनते हैं। एक बात और जवाब देना दीजिएगा आप मुझे। बिल्कुल बिल्कुल। 16 मिलियन जब ये गाना गया था तो आप उस टाइम मेरे पास नहीं था, आज से ये 4 महीना पहले गाना उतर चुका है, 3 रीज ने मार दिया था उसको ये, ठीक है, जिससे कि ये गाना बहुत ज्यादा 11 नंबर पे ट्रेंड कर रहा था, 3 रीज ने उसको टेक डाउन मार दिया था, जिसकी वजह से ये गाना उतर गया था। तो अब आप लोग रायता क्यों फैलाए हैं, मुझे बस इस बात का जवाब। रायता इसलिए फैलाए हैं मैडम कि आप चर्चा और आरोप के घेरे में हैं। तो कोई नहीं भैया, है तो है, आप भी क्यों, आप भी तो वही करने आए, आपके माध्यम से मुझे 5,000-10,000 लोग देखेंगे। देखेंगे तो वो लोग जानेंगे ना कि ताने असली इतना असली क्यों गाई हैं। भैया आप भी असली नहीं फैला रहे हो, आप ये चीज मान लो। हम असली रोक रहे हैं, मैडम इसको रोकना कहते हैं। आपके व्यू से 10,000-5,000 लोग देखेंगे, हम तो इसको रोक रहे हैं, पब्लिक ये भी डिमांड कर रही है। अरे ट्रेन है यार, बात ये है। चलिए हम कोशिश किए आपको तान्या झा को रूबरू कराने के लिए, और ये पटना स्टेशन पे है और ये निकल रही है अपने घर के लिए। किया है। कोई बात नहीं, आपको इसके लिए सॉरी कहेंगे, और लेकिन हमको दर्शकों को रूबरू कराने के लिए बहुत जरूरी था, तो आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। जय हो।